हेलो बच्चों, आज हम विद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम लॉ। साथ ही साथ एक अन्य टॉपिक भी है जो बहुल आवेशों के लिए कूलाम का नियम है, जिसमें दो या दो से हम ज्यादा आवेश लेंगे, जो अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बिना समय गवाए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ इसको पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक साधारण सा चित्र, जिसमें हमने एक 2D लिया है, द्विविमीय निर्देश तंत्र, और जिसमें दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष। एक हमने ये एक्स अक्ष ले लिया, एक वाई अक्ष। इसमें दो आवेश ले लेते हैं, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2। इस आवेश Q1 की मूल बिंदु O से जो दूरी है, जिसे हम स्थिति सदिश कह देते हैं, R1 वेक्टर, तथा अन्य आवेश जो मान लीजिए ये बिंदु A पर स्थित है और ये बिंदु B पर स्थित है। इस अन्य आवेश की मूल बिंदु से जो दूरी है वो आपके हो जाएगी R2 वेक्टर। ये आप पिछली कक्षा में टॉपिक पढ़ चुके हो, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, उसी के जैसा ही चित्र है। तो दो हमने स्थिति सदिश ले लेते हैं, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, तथा दो आवेश हैं, इनकी प्रकृति के अनुसार इनमें आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो इनके बीच की जो दूरी है, जो एक विस्थापन सदिश से संबंधित, जिसे हम R वेक्टर कह देते हैं। तो बच्चों, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, या Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण जो बल है, वो मान लीजिए Q1 आवेश पर बल है वो है F12 वेक्टर, तथा Q2 आवेश पर बल है Q1 आवेश के कारण वो हम ले लेते हैं F12 वेक्टर। तो इस तरह से ये दो बल हैं, इन दोनों बलों को हम समझते हैं। सेम ऐसा वैसा टॉपिक कक्षा 11 में भी पढ़ा है आपने, गुरुत्वाकर्षण बल, तथा उस गुरुत्वाकर्षण बल का हम सदिश निरूपण वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तथा ये जो दिशा है, F12 वेक्टर की दिशा या F21 वेक्टर की दिशा, इन दिशा के लिए हम एक सदिश लेते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, जो आपके होता है R12 कैप, इसकी दिशा इस तरफ हो जाएगी, तथा दूसरे वाला जो एकांक सदिश है वो हो जाएगा R21 कैप। इस तरह से हम ये दो सदिश ले लेते हैं जो परस्पर समान और विपरीत दिशा में है। तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि माना कि दो आवेश Q1 वह Q2 की मूल बिंदु O से सदिश, मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R1 वेक्टर वह R2 वेक्टर है, R1 वेक्टर वह R2 वेक्टर है, तथा आवेशों के मध्य विस्थापन सदिश R वेक्टर। तो बच्चों, इन आवेशों की प्रकृति के आधार पर, तो आवेशों की प्रकृति के आधार पर सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल, और विजातीय आवेश हैं तो आकर्षण बल लगेगा। सेम नेचर और अपोजिट नेचर, आधार पर कूलाम बल, जो कूलाम के नियम से जिसको हम विद्युत बल भी कह देते हैं। तो कूलाम बल हम दो प्रकार के ले लेते हैं आवेशों की प्रकृति के आधार पर। इसमें हम ले लेते हैं Q1 आवेश पर, Q1 आवेश पर
Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, ठीक है, तो वो बल हो जाएगा F12। सदिश रूप में लेने तो तीर का निशान लगा देंगे, कोई भी राशि के ऊपर तीर का निशान होता है इसका मतलब वो सदिश राशि है, तो वो आ जाएगा बच्चों Q1 Q2, बीच की दूरी सदिश, R वेक्टर विस्थापन, और सदिश राशि को स्क्वायर करते हैं तो हम मोड या मापांक ले लेते हैं और इसका स्क्वायर और इनटू में ये पूरी राशि अदिश है, इसको सदिश बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एकांक सदिश से, एकांक सदिश R12 कैप, जिस किसी सदिश के ऊपर ये इस तरह से एक कैप या टोपी हम लगा देते हैं वो आपके एकांक सदिश कहलाता है, तो ये सदिश रूप में हो जाता है समीकरण एक। तथा इस R वेक्टर को यदि हम R1 और R2 के रूप में लिखें तो इसके लिए हम 11वीं में सदिश जो राशियां होती हैं उनमें एक नियम होता है, त्रिभुज नियम, सदिश राशियों के लिए त्रिभुज नियम, चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, ये कुछ नियम होते हैं सदिश राशियों के लिए, तो यहां हम ले लेते हैं सदिशों के लिए त्रिभुज नियम, इसके लिए त्रिभुज की कल्पना करेंगे और वो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है बच्चों OAB से, त्रिभुज नियम, त्रिभुज OAB से, त्रिभुज OAB से, तो इस सदिश के त्रिभुज नियम के अनुसार किसी भी सदिश, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं एक ही दिशा में है तो तीसरी भुजा उसके विपरीत होगी और प्रथम दो भुजाओं का सदिश योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, तो इसका मतलब इस O से A की दिशा R1 वेक्टर, O से B की दिशा R2 वेक्टर, और बल की जो दिशा है वो हो गई B से A की तरफ, तो इसके अनुसार हम ले सकते हैं ये जो दोनों के दोनों अर्थात OB वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर, ठीक है, तो ये वाली जो आपके भुजा है OA वाली इसकी दिशा यूं इस तरफ जा रही है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, और ये OB और BA जो आपके दोनों सदिश हैं R2 वेक्टर और R वेक्टर, इनकी दिशा घड़ी के विपरीत है, जिसको हम क्या कह देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त कहते हैं, तो जो वामावर्त जो दिशाओं में है उन भुजाओं का योग दक्षिणावर्त जो दिशा है उसके बराबर हो जाता है, तो OB वेक्टर आपके बच्चों हो जाएगा R वेक्टर OB, OB वेक्टर R2 वेक्टर, R वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, तो R वेक्टर इक्वल टू हो जाता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, इसको आप सीधे भी लिख सकते थे, हमने थोड़ा सा समझा के आपको विस्तार से बता दिया है, तो समीकरण 2 का मान 1 में रख दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, समीकरण 1 व 2 से इसके लिए बच्चों ये आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R12 कैप अपॉन, और ये आ जाएगा R1 माइनस R2 के वेक्टर का और मोड लगा के होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपके इक्वेशन 3 आ गए, इक्वेशन 3 आ जाती है। अब बच्चों इसमें आप देख रहे हो कि इसी प्रकार यदि उल्टा करते हैं कि यही कूलाम बल या विद्युत बल हम फिर से ले लें और किसके लिए Q2 आवेश पर, किसके कारण Q1 आवेश के कारण,
Q1 आवेश के कारण, ठीक है, तो कूलम्ब बल या विद्युत बल क्या हो जाएगा? इसके लिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं F21 वेक्टर, 21 हो जाएगा बच्चों, और राशियां Q1 Q2 जो आवेश हैं वो जोके त्यों हैं, और बीच की दूरी इसको अपोजिट करें, यही नियम फिर से लगा सकते हो, ठीक है। यहां हम इतना नहीं लिखकर इसी प्रकार therefore ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से क्लियर है, यही नियम फिर से लग जाएगा। इस बार जो दिशा है वो B से A की तरफ न होकर R वेक्टर की दिशा A से B की तरफ हो जाएगी, तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, तो R वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपके समीकरण 3 और 4, तो पॉज करके साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए। अब हम बच्चों यह सिद्ध करेंगे कि ये दोनों के दोनों बल समान हैं और विपरीत दिशा में हैं। इनके लिए हम इनके इकाई जो सदिश हैं, यूनिट वेक्टर हैं, उनका उपयोग लेते हैं। तो आप देख रहे हो चित्रानुसार जो दोनों के दोनों सदिश हैं R12 कैप वो बराबर है R21 कैप के, R12 कैप R21 कैप के बराबर है, एक ही रेखा के ऊपर है परंतु विपरीत दिशा में है। इसका मतलब यहां ये हो जाएगा कि एकांश सदिश बराबर या समान व विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो बच्चों ये जो समीकरण 5 आ गया, इस 5 का मान हम 3 में रख देते हैं, तो रखने पर क्या आएगा, समीकरण 3 व 5 से, या आप अपने शब्दों में समीकरण 5 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 5 से R12 कैप का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा बच्चों F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज हो गया, और R12 कैप की जगह हो जाएगा बच्चों माइनस R21 कैप, ठीक है। इतना लिख के दोनों पक्षों में आप क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आपके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके इधर प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ कंफ्यूजन न हो इसके लिए मैं डायरेक्ट ही ये लाइन आपको बता रहा हूँ, उस तरह से आप नोट डाउन कर लेना, पहले वाली लाइन और फिर मिटा के ये दूसरे वाली लाइन, तो ये हो जाएगा R21 कैप, R21 कैप, ठीक है। अब देखो बच्चों समीकरण 6 और समीकरण 4 इसकी हम तुलना करें, और यहाँ हमने ये इसके जैसा ही R12 कैप है, R12 कैप, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा R21 कैप, ये काम सदिश भी यहाँ साथ साथ लिखे नहीं लिखा था हमने। तो अब हम समीकरण 4 और 6 इनकी तुलना करें, तुलना करोगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो कि दायां पक्ष के के Q1 Q2 Q1 Q2 R21 कैप R21 कैप R2 माइनस R1 का स्क्वायर R2 माइनस R1 का स्क्वायर, दोनों सेम है, तो दायां पक्ष सेम है इसका मतलब बायां पक्ष भी सेम है, RHS इक्वल टू LHS, तो ये RHS हो जाएगा, LHS हो जाएगा F21 वेक्टर, और ये माइनस F12 वेक्टर। तो इस तरह से आपने यह सिद्ध कर लिया कि ये जो दोनों के दोनों बल हैं बराबर और वही माइनस विपरीत दिशा में है, यहाँ आप लिख सकते हो दोनों बल बराबर और विपरीत दिशा में है, और ये जो न्यूटन के
गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम की अनुपालना करेंगे। तृतीय नियम की अनुपालना करते हैं, अनुपालना करते हैं। तो इस तरह से बच्चों कोई भी रेखा है उस पर दो आवेश हैं, तो दोनों के दोनों आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है, परिणामी बल है, वो आपके शून्य होगा। दोनों बल परस्पर बराबर होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। और ये जो दोनों के दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, ये बहुत अधिक कम दूरी तक, लगभग 10^-15 मीटर यानी 1 फर्मी से भी कम दूरी में ही ये लागू होंगे। दूरी भी अत्यल्प होगी, दोनों आवेश बहुत कम हो, आवेश के जो मान हैं वो भी कम होंगे, एकदम बिंदुवत होते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को आप लिख सकते हो। इसी तरह से ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना करते हैं। साथ ही साथ ये जो आपके विद्युत बल है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह व्युत्क्रम वर्ग नियम की भी अनुपालना करता है। इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, और इसी के अंदर ही मैं मिटा के आगे करता हूँ। कूलाम के बहुल आवेशों के लिए कूलाम का नियम लिखिए। हाँ तो बच्चों, अब ये टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स अमंग मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें बच्चों कुछ थ्योरेटिकल बातें थी वो मैंने लिख ली है, तो थ्योरी तो आप साथ साथ लिख सकते हो, चित्र को साथ साथ अपन समझेंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहे। इसके लिए हम कर क्या रहे हैं, जो भी लिखा है उसी को ही अकॉर्डिंग टू डायग्राम चित्रानुसार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वही एक द्विविमीय हम निर्देश तंत्र ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक द्विविमीय निर्देश तंत्र ले लिया है, और इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में टू डायमेंशन इनर्शियल फ्रेम में हमने एक निकाय लिया है, ये एक्स अक्ष हो गया बच्चों और ये वाई अक्ष, और इसका जो दोनों अक्षों को मिलाने वाला जो बिंदु है उसे हम ओरिजन, मूल बिंदु कह देते हैं, तथा ये एक हमने यहाँ निकाय ले लिया, और इसमें अनेकों आवेश हैं। तो बच्चों ये एक Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश की मूल बिंदु ओ से जो दूरी है उसे हम कह देते हैं स्थिति सदिश R1 वेक्टर, तथा इसी प्रकार एक अन्य आवेश ले लेते हैं, और वो बच्चों हो गया Q2 आवेश, वही स्थिर आवेश जिसकी मूल बिंदु ओ से दूरी स्थिति सदिश R2 वेक्टर। इसी प्रकार बच्चों एक और ले लीजिए, ये मान लीजिए हमने ले लिया Q3, थोड़ा सा ऊपर नीचे लेना बनाते समय चित्र ये ध्यान रखें, जिससे हम इनको आपस में जो बल लगेंगे विद्युत बल आपस में जो रेखा के अनुदिश है वो कटे नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो Q3 जो आवेश है उसकी स्थिति सदिश R3 वेक्टर, तथा अंतिम हम कहीं भी यहाँ ले लें, और ये जो दूरी है Qn की वो हो गई आपकी स्थिति सदिश Rn वेक्टर। तथा बच्चों ये जितने भी आवेश हैं, इन आवेशों के आधार पर बहुल आवेशों के मध्य जो हम परिणामी बल है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं, परीक्षण आवेश। तो बच्चों ये हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया, और वो परीक्षण आवेश है Q0, और इस जो Q0 टेस्टिंग चार्ज की जो दूरी है स्थिति सदिस वो हो जाएगी R0 वेक्टर। ठीक है, तो
ये जो क्यू नॉट वेक्टर है इस पर क्यू वन के कारण भी बल लगेगा, क्यू टू के कारण भी बल लगेगा, क्यू थ्री के कारण भी बल लगेगा और डॉट 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 क्यू एन आवेश के कारण भी बल लगता है। तो क्यू नॉट पर बल लग रहा है क्यू वन के कारण, तो वो बच्चों आपके हो जाएगा एफ जीरो या एफ नॉट वन वेक्टर। इसी प्रकार इस Q नॉट पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो हो जाएगा F नॉट टू वेक्टर। इसी प्रकार इस पर हो जाएगा F नॉट थ्री वेक्टर और इस पर हो जाएगा बच्चों F नॉट n वेक्टर। इस प्रकार इस Q1 Q नॉट जो टेस्टिंग चार्ज है इस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो अलग 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 साइड में फोर्स लग रहे हैं जो हमने ले लिए हैं। तो थोड़ा सा जो लिखा है उसको हम पढ़ के देखें। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, यह अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी निकाय है उसमें जितने भी आवेश हैं और उन आवेशों में से ले लीजिए या अलग से कोई एक आवेश ले लीजिए और उस पर जो लगने वाला जो परिणामी बल है यानी अन्य सभी आवेशों के कारण जो लगने वाले बल हैं और वो बलों का जो योग है वो परिणामी बल के बराबर होता है या परिणामी बल है वो अन्य सभी जितने भी आवेश हैं उन सभी बलों के योग के या सदिश रूप में ले रहे हैं तो सदिश योग के बराबर होता है। इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो बच्चों पॉज करके ये पूरा लिख सकते हो, साथ साथ में समझाता हूँ कि एक निकाय ले लिया उसमें एन आवेश है या आपको एन आवेश दिखाई दे रहे हैं जिसमें आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेश है। मूल बिंदु से इनकी जो स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, Rn वेक्टर, ये अनेकों आपके स्थिति सदिश हैं। तथा परिणामी बल जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी इनका मान ज्ञात करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं। एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं तथा अध्यारोपण के सिद्धांत की ये जो बहुल आवेशों के मध्य बल है ये इसकी अनुपालना करता है, इसको फॉलो करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी एक स्थिर बिंदुवत आवेश है इस पर अन्य सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले जो विद्युत बल है वो उस आवेश पर परिणामी बल के सदिश योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया होगा कि इस पर लगने वाला जो परिणामी बल है अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले जो अलग अलग बल हैं उनके सदिश योग के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा इसको अलग से एक आवेश ले लिया, Q नॉट एक स्थिर आवेश है, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn आवेशों के कारण विद्युत बल कौन कौन से हो गए बच्चों, F नॉट वन, F नॉट टू, F नॉट थ्री, F नॉट n, ये अन्य खूब सारे आवेश हो जाते हैं। तो इस Q नॉट पर इन सभी का जो रिजल्टेंट फोर्स है परिणामी बल वो हो गया बच्चों F नॉट वेक्टर। तो वही अध्यारोपण के सिद्धांत से तो F नॉट वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों F नॉट वन, F नॉट टू और डॉट 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 F नॉट n वेक्टर हो गया। तथा बच्चों अभी आपने दो आवेश लिए थे उनसे संबंधित कूलाम के नियम का सदिश निरूपण ज्ञात किया था तो उसमें जो आंसर आया था वो हम यहाँ काम में ले लेते हैं। एफ नॉट वन का मतलब K, Q, Q नॉट और Q1 आवेश है तो Q1, Q नॉट और Q1 और बीच की जो डिस्टेंस है वो है R नॉट माइनस R1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसके लिए यूनिट वेक्टर जैसा पीछे लिया था वैसे ले लेते हैं R not one cap, clear, plus K Q not, इसको लिखने में कोई confusion है तो अभी जो पीछे जो आपने अभी पढ़ा था तो वो आप देख सकते हो Q not Q2 upon R not minus R2 और इसका होल स्क्वायर, R नॉट टू वेक्टर प्लस डॉट 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 और ये लास्ट वाला हो गया बच्चों K Q नॉट Q2
qn अपॉन आर नॉट माइनस आर एन और इसका होल स्क्वायर आर नॉट एन की कैप हो जाएगी। क्यों बच्चों? तो ये किसके इक्वल हो गया? आर नॉट वेक्टर के इक्वल हो जाता है। थोड़ा मैथमेटिकल इसमें कर लेते हैं, के क्यू नॉट आप देख रहे हो कॉमन आ रहा है, तो जनरलाइज्ड फॉर्म बना लेते हैं, व्यापक रूप से। तो आप बच्चों इसमें क्या देख रहे हो, बच्चों कॉमन आ गया और ये आ गया q1 अपॉन, इसको एक साथ भी आप लिख सकते हो शॉर्ट रूप में r not 1 फैक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है, r not 1 इक्वल टू r not माइनस r 1 वेक्टर, और ये हो जाएगा r not 1 की कैप प्लस q2 r not 2 और इसका स्क्वायर प्लस डॉट 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 qn r not n का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम एक साथ जनरलाइज्ड फॉर्म जो अभी है k q not और सिग्मा 0 या ये नॉट तो एज इट इज है 1 2 3 4 सीक्वेंसली बन रही है, तो i के रूप में ले लें, i 0 नहीं है, i क्या है 1 है और 1 से लेकर n तक है, तो ये हो जाएगा बच्चों qi r not i cap upon r not i 1 2 3 i और इसका होल स्क्वायर। बच्चों ये आपके जनरलाइज्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, सिंपल है। इसको आप कोई क्वेश्चन करेंगे इस तरह से, कोई लीनियर या जो भी अलग अलग साइड्स में है तो उसके लिए काम आएगा, पॉज करके और पूरा का पूरा उतार लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये आपके कूलम्ब का नियम जो था उसके दो तीन पार्ट थे, ये हमने कर लिए हैं। कूलम्ब का नियम पढ़ा, फिर आपने पैराविद्युतांक पढ़ा, आपेक्षिक विद्युतशीलता, और फिर आपने इसमें आगे कूलम के नियम का सदिश निरूपण, और ये एक अंतिम टॉपिक आपने कूलम के नियम में और पढ़ा है थोड़ा सा, बहुल आवेशों के लिए कूलम का नियम। अब हम ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन न लेकर सिंपल दो या तीन क्वेश्चन कर लेते हैं इस कूलम के नियम से संबंधित। हालांकि 100-150 क्वेश्चन कर सकते हो, और लगभग हम इसको आगे नीट या आईआईटी की तैयारी करवाएंगे तो 10 से 12 लेक्चर में ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा जो न्यूमेरिकल बेसिस होगा, लेकिन दो तीन प्रकार के क्वेश्चन करते हैं सिंपल सिंपल। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ थोड़ा बहुत लिखूंगा, थोड़ा बहुत जो बोल रहा हूँ वो आप इन ऑन वर्ड लिख सकते हो। मान लीजिए दो आवेश हैं और दो आवेशों के मध्य बल, मध्य F बल, ठीक है बच्चों, और दूरी जो बीच की दूरी है वो तीन गुनी कर दी, बीच की दूरी तीन गुनी कर दी जाए तो विद्युत बल क्या हो जाएगा बच्चों? पहला ऑप्शन है F अपॉन 9, दूसरा है 3F, चौथा है 9F, ठीक है, और तीसरा है 9C9F, और हो जाएगा F upon 3। तो बच्चों कौन सा होगा? सिंपल सा है आंसर, पॉज करके आप कोशिश कीजिए
फिर मैं बताता हूँ, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। हाँ, f इक्वल टू है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। f f की जगह ले लेते हैं f डैश, एक नया बल k q1 q2, नो चेंज, r की जगह हो गया r डैश स्क्वायर, ठीक है। r ऑब्लिक स्क्वायर, r डैश स्क्वायर, r वन स्क्वायर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। अब r डैश कितना कर दिया, 3 r कर दिया, पहले का 3 गुना। तो ये बच्चों f डैश इक्वल टू आ गया k q1 q2 अपॉन 3 r का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों k q1 q2 अपॉन 9 r स्क्वायर, 9 r। अब आप बच्चों कंपेयर करके देखिए, इसमें k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये तो आप लिख सकते हो f, क्यों, समीकरण एक स्क्वायर दो से, तो f डैश हो गया f अपॉन 9, f अपॉन 9, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, उसको मैं डायग्राम के द्वारा ही क्लियर कर लेता हूं। कि मान लीजिए ये दो बल है, एक तो Q1 है और एक Q2 है। Q इक्वल टू एन ई, आवेश का पार्टिकल पढ़ा था, N इक्वल टू 9 है, और Q2 इक्वल टू एन ई, यहाँ N है 1, ठीक है। दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच की जो दूरी है वो है 16 सेंटीमीटर। साथ साथ लिखते जाएं, यदि लिखना चाहो थ्योरेटिकल, मानना कि दो आवेश 9e तथा e है, बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तथा एक अन्य q3 आवेश है, q3 इकाई ले सकते हो, q3 इक्वल टू e आवेश है, ठीक है। तो q3 आवेश को दोनों आवेशों के मध्य कहाँ रखें, कहाँ रखें, तो चलिए क्लियर कर लें, कितनी दूरी पर रखें कि परिणामी बल शून्य हो, परिणामी बल शून्य हो, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच में रखना है, मध्य में कहाँ रखें, जो रेखीय है उसी में ही, ऊपर नीचे नहीं, दोनों रेखा के, ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में रखना है, ठीक है। तो क्या कर दें कि कहाँ रखें, ये लिख के पॉज करके, चलो मैं फिर से बना देता हूँ डायग्राम, अदरवाइज आगे से हम उसी के अंदर ही करने का प्रयास करेंगे। ये ई है, ये आपके मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 16 माइनस एक्स, ये टोटल 16 है, ये एक्स मिली तो ये बच गई, ये होगी 16 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, और ये भी यूनिट चार्ज है, ठीक है, कोई ना कोई इकाई आवेश है, तो एन इक्वल टू 1 हो गया। तो Q1 व Q3 के मध्य बल, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, F1 3 इक्वल टू, सदिश रूप में नए लेकर परिमाण ही ले लेते हैं, सदिश रूप में लेते भी हो तो ये हो जाएगा k 9 e into e upon x square, और q 3 by q 2 k मध्य बल, ये हो जाएगा f 2 3, तो बच्चों ये हो जाएगा k e into e upon 16 minus x का whole square, q 2 e, q3 भी e, बीच की दूरी 16 माइनस x। कोई बल नहीं लगे, इसका मतलब दोनों बल जो हैं
वो बराबर होने चाहिए और विपरीत दिशा में होने चाहिए, या इन दोनों बलों का जो योग है वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी समझना चाहें लेते हैं, तो इस माइनस का कोई उचित्य नहीं है कि वो विपरीत दिशा में है, तो k9e² / x² ae² / 16 - x² तो k से k कैंसिल हो गया, e² से एक। बच्चों ये है कि इसका वर्ग कर लें, द्विघात समीकरण बढ़ेगी, फिर इसको सॉल्व करें। एक सिंपल सा ये है कि वर्गमूल कर लें, वर्गमूल कर लें, वर्गमूल करने पर क्या होगा बच्चों, ये t upon x ये हो जाएगा 1 upon 16 - x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लें क्रॉस 48 - 3x = x, 16 * 3 = 48 और ये -3x, तो ये दचला जाएगा, तो 4x = 48, तो x = कितना आ गया 48/4, कितना आ गया 3 और 1 = 4, तो बच्चों ये कितना आ गया, ये इधर चला गया 4 * 4 = 8, एक्स बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, एक्स बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो मैं इधर लिख दूं, तो ये दो आंसर हो गए बच्चों। ये जो x दूरी आपने मानी है ये q1 आवेश से माननी है, तो q1 आवेश से x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, q1 आवेश से x कितना आ गया 48/4 12 सेंटीमीटर। परंतु यदि q2 आवेश से पूछ ले, क्योंकि इसका मतलब ई आवेश से, तब ये कितनी दूरी हो जाएगी, से दूरी ये हो जाएगी मतलब 16 - 12 कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये 9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर पर और Q2 आवेश से 4 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार त्रिभुज के, चतुर्भुज के, पंचभुज के, षटभुज के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, तो इस तरह से ये होते रहते हैं और यही सवाल आगे रिपीट होते रहते हैं। दो आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र पूछ ले, दो हम ध्रुव प्रबलताएं ले लें उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले, तरीका यही है। ये एक नहीं जो आपको बताया है, इस तरह के 14-15 या कोई 20-25 सवाल भी हम अलग-अलग टॉपिकों में कर सकते हैं, वो कभी रिवीजन के रूप में टॉपिकों को एक मिक्स करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलो एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं बच्चों, कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है वर्ग, और कुछ दूरी लेना चाहो तो ले लो 2 सेंटीमीटर, ये Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर -3 माइक्रो कूलाम, Q3 बराबर -+4 माइक्रो कूलाम और Q4 = -5 माइक्रो कूलाम, या आप इसको प्लस ले सकते हो, इसको माइनस, जैसे भी आप जानना चाहो। इसके बीच में कोई आवेश ले लेते हैं Q0 = E है, ठीक है, यानी 1 माइक्रो कूलाम का ले लेते हैं, 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो ये पूछा है कि जो परिणामी बल है, परिणामी बल वो इसके केंद्र पर है, ओरिजिन पर, ठीक है, केंद्र क्या होगा, तो
तो एक वर्ग है, वर्ग के चारों कोणों पर आवेश है, ए बी सी डी इनके ये शीर्ष हैं, तो इसके केंद्र पर परिणामी बल क्या होगा? तो ये बच्चों आपको बताना है क्या होगा, कैसे करेंगे। इसके लिए बच्चों सबसे पहले ये डिस्टेंस है ये निकाल लेते हैं, और ये आप जानते हो सबकी एक जैसी होगी, क्योंकि वर्ग है ये विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल, और इनकी ये जो हाफ, तो इसको निकालने के लिए ये एक त्रिभुज ले लीजिए, ट्रायंगल ए डी सी से, तो ये आ जाएगी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू हो गया अंडर रूट टू टू जो फोर, टू टू जो फोर अंडर रूट एट, हो गया बच्चों, ठीक है। और हमको ये चाहिए ए ओ, ए ओ जाएगी एस सी अपॉन टू, यानी रूट एट का मतलब टू रूट टू अपॉन टू, तो टू से टू आपके कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ए ओ, ए ओ सेंटीमीटर। तो बच्चों डायरेक्ट भी आप याद रखें, कभी भी इस तरह से ये दो सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर या जितना भी आए, जैसे आपके डायरेक्ट लिख सकते हो टू और इसके अपॉन में रूट टू, ये आता है टू अपॉन रूट टू, ठीक है। तो ये इसमें क्या आएगा बच्चों, टू को आप क्या लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, रूट टू से रूट टू कट गया, ये आ गया, ठीक है। तो इसमें जैसे फोर है तो फोर रूट टू आ जाएगा, एट है तो एट रूट टू आ जाएगा, क्योंकि इसमें रूट टू कॉमन आ जाता है, इस तरह से आप इसको आराम से थोड़ा सा मैथमेटिकली सम आ जाएगा समझ में करने में। चलो तो बच्चों हम अब फोर्स की बात करें, तो एफ ओ इक्वल टू हो जाएगा के, और ए पॉइंट के लिए ये चलो एफ ए पॉइंट के लिए हो गया, ये हो गया बी पॉइंट के लिए, ये सी पॉइंट के लिए, और ये डी पॉइंट के लिए, ए ओ बी ओ सी ओ और डी। थोड़ा सा और समझना चाहो अच्छे से, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमने अप्लाई कर लिए इस तरह से। तो एफ ए ओ इक्वल टू हो जाएगा के, और ये हो गया बच्चों टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स के क्यू वन क्यू टू, वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स अपॉन, ये हो गया रूट टू, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो टेन की पावर माइनस टू, और इसका स्क्वायर प्लस के, और ये हो गया बच्चों माइनस थ्री इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स अपॉन रूट टू इंटू टेन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के फोर इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व। इसको ही बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, तो रूट टू का स्क्वायर टू, तो टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर, और ये बच्चों हो जाएगा माइनस के फाइव टेन की पावर माइनस ट्वेल्व अपॉन टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर। तो ये के की वैल्यू नाइन इंटू टेन की पावर नाइन कॉमन आ रही है बच्चों, और दस की घात माइनस बारह की कॉमन आ रहा है, और अपॉन में टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर भी कॉमन आ रहा है, तो इधर बच गया बच्चों दो माइनस तीन, और ये चार, और ये माइनस पाँच, ठीक है। चार और दो छः, और पाँच और तीन आठ, तो आठ में से छः गए माइनस दो, तो माइनस दो और इंटू नौ इंटू ये दस की घात माइनस तीन, ऊपर जाएगी तो दस की घात चार अपॉन टू,
यही माना बच्चों, ये इससे कट गया तो ये कितना आ गया माइनस एफ, ये आ गया एफ नॉट इक्वल टू माइनस, जो इधर से ले लेते हैं तो माइनस भी नहीं होगा, केवल अट्रैक्शन फोर्स को शो कर रहा है, और ये हो गया 9 90 10, तो 90 न्यूटन, 90 न्यूटन। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आ गया।